नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। आप तीन चरणों का मतदान हो चुका है, अभी क्या देख रहे हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, राजनीति का पैटर्न बदल चुका है। पहले चुनाव जातिवाद, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर मुस्लिम तुष्टीकरण और एक तरह का था डकैतों का भी बोलबाला था। एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा बुंदेलखंड, भिंड, मुरैना से लेकर पूरा। लेकिन अब लोग जो मतदान करने के लोग मूड में रहते हैं और मतदान जो अब करते हैं वो ईमानदारी के नाम पर करते हैं, विकास के नाम पर करते हैं और कानून व्यवस्था के नाम पर करते हैं। तो अभी जो तीन चरणों का मतदान हुआ है वो मोदी योगी को, उनके वर्किंग को, उनके जो उन्होंने काम किया 7 साल में, जो आदरणीय मोदी जी ने विकास किया, कार्य किया गरीबों के लिए, तो आम जनता में उनका विश्वास दृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है, यार मोदी हैं तो हमें मुमकिन है। ऊपर से 2017 में उत्तर प्रदेश को भी अच्छा नेतृत्व मिल गया, योगी जैसा नेतृत्व मिल गया, एक ईमानदार नेतृत्व, तो जनता पूरा विश्वास के आधार पर वोटिंग की है और मतदान किया है, जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर मतदान किया है। तो इतना जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि प्रथम और द्वितीय तृतीय चरण में हम एक तरफा जीत रहे हैं। विकास की आपने बातें की, केंद्र की भी आपकी सरकार है, तो इतना जो विकास हुआ है राज्य में, फिर ये चुनाव विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं होता है? क्यों जिन्ना और सब विषय ये सब आ जाते हैं चुनाव में? वो तो स्वाभाविक है। सपा उपा के लोग चर्चा करते हैं, अखिलेश यादव जिन्ना का कहीं नाम लेंगे, कहीं चिलमबाज की बात करेंगे, कहीं पर पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी आतंकवाद की बात करेंगे, कभी गुंडागर्दी की बात करेंगे। तो वास्तव में एक स्वाभाविक उनका सपा का नेचर ही है कि जब जब उनकी सरकार रही है तो राज्य के अंदर बम फटता है, आतंकवाद गतिविधियां जारी रहती। मतलब जिस घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में काशी ओसी में 18 लोगों का देहांत हुआ है, ऐसे आतंकवादियों के भी पक्ष में पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हो, ये अच्छा नहीं है। योगी जी ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की, उनकी इमारतों की जो अवैध निर्माण या कब्जे की जमीनें थी उसकी भी समाजवादी पार्टी आलोचना करती है। अखिलेश जी कहते हैं बुलडोजर वाले बाबा। देखिए, मैं जो नारा दिया था 2017 के पहले कि जब मेरी सरकार जनता जनार्दन से हम लोग आशीर्वाद मांगने गए थे तो स्पष्ट कहा था ना, गुंडागर्दी ना भ्रष्टाचार। तो योगी सरकार सत्ता बाने के बाद, योगी जी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने गुंडागर्दी जड़ से समाप्त किया और कानून का राज है। आज 5 सालों में न कोई दंगा, न कोई फसाद, न गुंडागर्दी और नियुक्तियों में भी कोई भ्रष्टाचार नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई भ्रष्टाचार नहीं, न उद्योग है। सैफई खानदान जब सत्ता में आए तो ट्रांसफर उद्योग बनाए, उन्हें भ्रष्टाचार किया और पूरा कुनबा मिलकर ठेके पर कब्जा करता है, नियुक्तियों पर कब्जा करता है, ट्रांसफर पर कब्जा करता है। तय कर लेते हैं, राम गोपाल देखेंगे DIG, ये शिवपाल पूरा इंजीनियरिंग विभाग देखेंगे, ये DGP का काम ये देखेंगे, ये इनके जिले स्तर के थाना देखेंगे, ये SP ऑफिस देखेंगे। तो क्या है, बंदरबाट टाइप का लूट होती है और ये सब लोगों को लगता है कि इनके साथ डकैती हो, नहीं, वो शोषण अंतिम होता है गरीबों का। लेकिन ये लोग बराबर आरोप लगा रहे हैं, आपने सुना ही होगा कि कहते हैं कि हमारे 2012 की योजनाओं का सब फीता काट रहे हैं बाबा। आप तो बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, देश भी देख रहे हैं, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी आए तब लोग प्रधानमंत्री CC सड़कें देखे, नेशनल हाईवे देखा, फुल लेन देखा। हम 2004 में चाइना गए थे यूथ के कॉन्फ्रेंस में, युवा के, और मैं उस समय यूथ का प्रेसिडेंट था। जब वहाँ के मैं उतरा चाइना में, हम रोड पर निकले तो हम कह रहे यार ऐसा भी सड़कें होती हैं क्या? अटल जी ने आते ही फोर लेन की सड़कें दिए और 7 साल में मोदी जी ऐसी सड़कें दे दी जो उत्तर प्रदेश में दिया, ऐसी ऐसी सड़कें दिया कि आप चले जाइए, लगता है चाइना से भी अच्छी सड़कें हैं, 4
फोर लेन लोगों ने देखा, सिक्स लेन देखे, गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना देखा, तो जो कनेक्टिविटी बढ़ा है और उसके कारण लोगों का विकास हुआ है, सड़क के किनारे रहने वाले किसान मजदूरों का जो 10,000 बीघा जमीनें थी वो 1-1 करोड़ की जमीनें हो गई हैं। देखिए महंगाई चुनाव में चर्चा हो रही, महंगाई क्या कोई विषय आपको दिखता है चुनाव में? देखिए सपा बसपा कांग्रेस ये लोग वातावरण बनन और वर्तमान की जो स्थिति रही कोरोना वैश्विक महामारी में, पूरा विश्व संकट में खड़ा था और आज भी है। चाइना में 5 लोग एक साथ बैठ नहीं सकते। इस वैश्विक महामारी में संकट में परिवार चलाना, गरीबों का ख्याल रखना, सभी लोगों का रखना, संपन्न लोगों के भी फैक्ट्रियां चलती रहे, आर्थिक स्थिति उसमें भी गड़बड़ न रहे, उनकी चिंता करना, रेहड़ी पटरी वालों का चिंता करना, माताओं बहनों का चिंता करना, 2 साल तक महामारी में गरीबों को फ्री में दो दो सिलेंडर फ्री में देना, कोरोना महामारी में जनता ने स्वीकार किया, सभी गरीबों के खातों में करोड़ों रुपया भेजना, सभी गरीबों के खातों में, दिव्यांग से लेकर निराश्रित और इन लोगों के खातों में भेजना, और 2 साल से सभी गरीबों महीने में 2 बार अन्न भेजना, 5 किलो यूनिट, यदि 5 भाई हैं परिवार में 7 लोग हैं तो 35 किलो अन्न भेजना, साथ में चना दाल तेल भी भेजना और महीने में 2-2 बार भेजना, और यही नहीं 2-2 डोज भी देना टीकाकरण का। इस वातावरण में पूरा संकट खड़ा हो जाना चाहिए था और तहस नहस हो जाना चाहिए देश को, जिसे विश्व तहस नहस। और मेरे पास ना मास्क थे ना सैनिटाइजर था, लोग जानते भी नहीं थे, ना हॉस्पिटल उसी स्थिति थी ना बेड था, फिर भी धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, देश बच गया, 125 करोड़ देशवासी बच गए। लेकिन अध्यक्ष जी ये विपक्षी दल जो है वो कहते हैं कि पेट्रोल 100 रुपए के आसपास पहुंचा दिया, सरसों 150-200 रुपए में बिक रहा है सरसों का तेल, तो महंगाई जो है ये लोगों का ही पैसा लेके उन्हीं को दिया जा रहा है और मुफ्त वैक्सीन कही जा रही है। 15 करोड़ रुपया 15 करोड़ लोगों का राज्य के अंदर फ्री में 1-1 किलो तेल देना, राशन देना और उनके अकाउंट में पैसा भेजना। मैं एक बुढ़िया माँ को मैं देख रहा था, उसने बोली कि विपक्षी वाले महंगाई, विपक्षी वाले बोले कि आज मोदी है और योगी है तो मैं बच गया, जब सुबह उठता हूँ तो उसके शौचालय में जाता हूँ, आज मेरा पक्का मकान है, 70 सालों बाद एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिला। आप क्या सत्ता चलाते हैं भाई, अपने महलों में रहेंगे, आपका पूरा खानदान रहते करेगा और घोर वंशवादी बन मिलकर लूटेंगे, राम गोपाल शिवपाल मतलब सभी पूरा मिलेंगे, इनकी कोठियां जाकर दिखाइए, सभी भाइयों का बेटों का आप नाती पोता जितने हैं, लेकिन एक झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब का पक्का मकान कौन बनाएगा भाई, पुरुषार्थ कौन है? हमारे पास ऐसा नेतृत्व ईमानदार कि परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है और 40 लाखों के ऊपर लोगों को, 43 लाख के ऊपर लोगों को पक्का मकान बनाकर दे दिया। कभी परिस्थितियां आती हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा, मैंने तुरंत कम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत कम किया, केंद्र सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार उसको कम किया। लेकिन ये जो पेट्रोल के रेट जो रोज बढ़ रहे थे, केंद्र सरकार अभी समय रुकी हुई है, समय नहीं बढ़ा रही है, रोज घट बढ़ रहे थे जो। देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको ध्यान होगा, ये मनमोहन सिंह जो छोड़कर गए कर्ज, लाखों करोड़ों का कर्ज छोड़कर गए, बोले थे 5 साल में निपटाएंगे, आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व तहस नहस हो रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्ग, लेकिन आज उत्तर प्रदेश, आप अमेरिका देख लो, चाइना देख लो, सिंगापुर प्रगतिशील देश देख लीजिए, आज मोदी जी देश को भी बचाए और अन्य देशों में भी देशों को बचाए। आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए बड़ा काम किया, बड़े स्तर पे इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला नजर नहीं आया है, लेकिन अभी ये कहा जाता है कि निचले स्तर पे भ्रष्टाचार रोकने के लिए जैसे तहसील और थाने के स्तर पे बहुत काम करने की जरूरत है, आप ये बात मानते हैं? देखिए सभी लोग सुधर जाए अच्छी बात है, लेकिन नेतृत्व ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी से लाभ क्या है? आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, उसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने पहला जो काम किया
वो समझते थे भ्रष्टाचार कहाँ होता है गरीब के साथ। उन्होंने बैंक का खाता सभी गरीबों को खुलवाया। अब किसान सम्मान निधि जो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा गांव में पहुंचता था, लेकिन अगर दिल्ली से 6000 रुपया किसान सम्मान निधि चलता है ना तो सीधे उसके खाते में 6000 रुपया पहुंचता है, 1 रुपये का बिचौलिया नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की योजना चलता है तो उसके सीधे खाते में जाता है, 1 रुपये की बिचौलिया नहीं है। शौचालय गैस का कनेक्शन या कोई 5 लाख आयुष्मान का कार्ड जो है तो उसके हाथ में है, हॉस्पिटल में उसको यदि बीमार हुआ तो उसको देना पड़ेगा। तो यानी भ्रष्टाचार पर अंकुश। आप देखते थे केरोसिन तेल कैसे बिकता था, मिट्टी में पेट्रोल में मिट्टी का कैसे होता था। 7 साल पहले कांग्रेसियों के शासन में चंडीगढ़ से कहां कहां केरोसिन, ये आने के बाद मोदी जी के आने के बाद धीरे धीरे बंद हुआ, राज्य के अंदर योगी जी के आने के बाद धीरे धीरे भ्रष्टाचार बंद हुआ। देखिए एक सवाल लेना चाहते हैं, आपने काशी में बहुत विकास किया, वहाँ पे पूरा आपने कॉरिडोर बनाया है, अयोध्या में मंदिर निर्माण चल रहा है, आप मथुरा के भी चुनाव में बात होती रही लेकिन आपके घोषणा पत्र में मथुरा की कोई चर्चा नहीं है, क्यों? देखिए मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में सभी गरीबों को पक्का मकान देना है, सभी गरीबों का कल्याण करना है। राम मंदिर भव्य राम मंदिर के निर्माण की आज निर्माण शुरू हुआ है अयोध्या में, कुछ काशी विश्वनाथ डोर काशी का बना है तो काशी विश्वनाथ और राम जन्म मंदिर का निर्माण से क्या लाभ क्या हुआ, यानी जो ब्रांडिंग 1000 करोड़ रुपया लगता करने में आदरणीय मोदी जी ने 2 दिन में ब्रांडिंग किया, आज अयोध्या में पर्यटक की संख्या बढ़ी है और काशी में पहले 10,000 पर्यटक प्रतिदिन आता था अब 1 लाख आ रहा है। ये दोनों के कारण क्या हुआ, लोकल के लोगों को रोजगार मिला है, यानी रिक्शा चालक को रोजगार मिला है, उस निषाद मल्लाह को भी रोजगार मिला, नाव चलाने वाले को, चाय बेचने वाले को भी कुल्हड़ की रोजगार मिला है, होटल में लोग ठहरेंगे तो रोजगार मिला है। तो ये लोकल पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, इसीलिए मैंने मथुरा के पूछा कि वहां के लिए भी कुछ मथुरा भी, मथुरा का जो बोर्ड बना है विकास हो रहा है। अध्यक्ष जी एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहते हैं, आपने उत्तर प्रदेश के हर जिले का दौरा किया, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और नेतृत्व भी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कितनी सीटें जीतकर आने वाली है? देखिए जनता जनार्दन ने जो घोर परिवारवादी लोग राजनीति करते हैं उनको नकार दिया है, इनके पास विकल्प नहीं था, जनता के पास मोदी जी योगी जी एक विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी विकल्प है, पहले जनता जनार्दन का दिल खोलकर आशीर्वाद है, इसलिए हम सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, एक तरफा जीतोगे और जीत कर संगठन हम सब कार्यकर्ता मिलकर फिर से जनता की सेवा करें। अध्यक्ष जी बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो बता रहे थे कि वो किस तरह से इस चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।